राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में मुंडावर उपखंड के सीमावर्ती ग्राम पंचायत सिलगांव कला की महिला टीम ने दम दिखाते हुए जिंदौली टीम को हराकर जीत अपने नाम दर्ज की। मुकाबला बहुत ही देखने लायक था, कहीं 10 साल की बच्ची तो कहीं 80 साल की बुजुर्ग महिला भी दम दिखाने में पीछे नहीं रही। देखना है जोर कितना बाजवी कातिल में है, जीत किसके नाम होगी अब हमारे दिल में है का नारा देते हुए सिलगांव कला की महिला टीम ने बड़े बल के साथ मैदान में जीत को अपने नाम कर लिया और जीत के बाद महिला खिलाड़ियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। वहीं महिला खिलाड़ियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की इस योजना में हमें बहुत खुशी मिली, जहां शादी के बाद महिला को ग्रामीण इलाकों में सिर्फ एक मशीन के तौर पर उपयोग किया जाता है, जैसे भैंस का दूध निकालना, घर में गोबर भारी का कार्य करना, खेत में कार्य करना सिर्फ यहीं तक सीमित थे। लेकिन जब से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ है तब से हमारे दिल में एक अलग ही उमंग जगी है। मैं राजू पंच ग्राम पंचायत सीलगांव से, राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल जो राजस्थान सरकार ने चलाए उनमें हमारे ग्राम पंचायत सीलगांव की महिला रस्साकसी टीम ब्लॉक स्तर पर विजयी रही। आज हमारे गांव में ढोल नगाड़ों से उनका बहुत भारी स्वागत हो रहा है, हम बड़े खुश हैं इस बात से और हम चाहते हैं कि इस तरह के खेल आयोजन होते रहे जिससे गांव की प्रतिभाएं ब्लॉक वहाँ स्टेट लेवल पर पहुँचे। और खुद मैंने इनका रजिस्ट्रेशन इनको अच्छी तरह इनसे पूछ इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और हमने मैंने एक समाजसेवी और कोच के रूप में इनको कुछ टिप्स दिए, जानकारियाँ दी और ग्राम लोग ग्राम पंचायत के गुरुजनों का सभी का सहयोग रहा। आज हम बड़े खुश हैं कि मुंडावर तहसील में ग्राम सीलगांव की महिला टीम एक विजय रही और आज पूरे मुंडावर ब्लॉक को जीत करके जिला स्तर पर पहुंची और हम भगवान से उम्मीद करते हैं परमात्मा से कि हमारी टीम स्टेट लेवल खेले और विजयी हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।